अब नहीं, खीर खा के प्रसन्न हुए 1400 चेला, एक कटोरी खीर से पी गए। तो गुरु गोरखनाथ ने कहा कि अब नहीं, समय नहीं, थोड़ी देर बाद शाम को बगिया में आइयो और हम तुम्हें कुछ वरदान देंगे। सांझ को छुप के आई जाइयो, कोई दिए वरदान न जाए हो कहां, छुप के संध्या को आई जाइयो। आज महारानी लौट करके चली गई है और जो छोटी बहन कांचल थी, रानी बड़ी खुश है मन में, लेकिन खुशी को सुन के कांचल जो थी, कांचल ने पूछा, बहन बड़ी खुश नजर आ रही हो? एकदम जवाब दिया कि हाँ, खुशी का कारण यह है कि मुझे गुरुजी ने बुलाया है। क्या? हाँ। और जब इतनी बात सुनी गुरुजी ने बुलाया है, तो कांचल ने बांछल से कहा किस लिए बुलाया? बोले ये कह रहे थे शाम को आना, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। तो प्रधान जी यहां पर मामला कुछ गड़बड़ हो गया। छोटी बहन जो कांचल थी, कांचल ने बांछल से कहा बहन मैं पूजा करने जा रही हूं, तुम मुझे अपने कपड़े दे दो। और बांछल के कपड़ा पहन के गोरखनाथ के सामने कौन पहुंच गई? कांचल, छोटी बहन। दो जवाब लिए और गुरुजी ने दो जवाब उस कांचल को दिए। लेकिन गुरु गोरखनाथ समझ गए, लेकिन गुरु को गुस्सा आया और कहा पुत्र तो तेरे दो होंगे, बड़े बलवान होंगे, लेकिन ध्यान रखना जो पुत्र जाहर नाम का होगा बांछल के, उसी के हाथों से तेरे पुत्रों का वध होगा। समझ गए गोरख नाथ रे, कांचल पास में आई, से कूच कर दिया है। और जब गोरखनाथ बगिया को छोड़ के चले गए और कांचल ने जाकर के उन वस्त्रों को लौटाया, अपने वस्त्रों को पहन करके बांछल जब चली और बाग में जब गुरुजी को नहीं देखा, आहा, सोचने लगी मेरी मेहनत फिर बेकार हो गई, सूरज दशा ही बदल गई। कि सूनी बगिया लगी तभी एक सखी पास में आई, थोड़ी देर पहले गुरुजी गए यहां से सिधाई। एक सखी बोली बांछल से बहन थोड़ी देर पहले गुरु गोरखनाथ 1400 चेलाओं को लेकर के यहां से चले गए, घोड़ी दई दौड़ाई अरे घबराई सुनो चितला। बांछल घोड़ी पर सवार हुई तो कचरी बन गया और घोड़ी दौड़ाई, तब गोरख को लला घेर लो जाई। महारानी बांछल घोड़ी पर सवार हुई, घोड़ी को दौड़ाना शुरू किया, गुरु गोरखनाथ कचरी बन में पहुंच गए, घोड़ी आगे जाके खड़ी की और कहने लगी महाराज किस कारण तुम मुझसे नाराज हो गए और कैसे गए और रूट भाग गो फूट के देव बतलाई, मत कौन सी बन गई भूल आंखों में आंसू।
लेके दोनों हाथ जोड़े गुरु गोरखनाथ जी के सामने और जवाब दिया, श्रीमान मुझसे कौन सी ऐसी भूल बन गई जो मुझ दासी को छोड़ करके तुम चले आए। जब दासी की बात कही तो गुरु गोरखनाथ ने आंखें बंद की और आंखें बंद करके गुरु गोरखनाथ कहां पहुंचे, सब चेलाओं से कहा थोड़ी आंखें बंद करो। सब 1400 चेलाओं ने आंखें बंद की, रानी बांछल ने भी आंखें बंद की हैं और गुरु गोरखनाथ बासुक के पास पहुंचे और राजा बासुक से एक बात कही कि आंखें करके बंदरे अटल समाधि लगाई। ओ त अपने के सन से पतिव्रता झाड़ू रही लगाई। चरणों में गिरी है वो दासी बांछल। महाराज पहुंच गए बासुक के ढिंगजार, कोई नाग हमें दे दियो हमने वचन कुहार। गुरु गोरखनाथ ने कहा बासुक से, हमें कोई ऐसा नाग दे दो जिस नाग से हम कोई काम चला सके, क्यों रानी बांछल के सामने हम वचन हार गए हैं। एक पद्म नाग था, वो पद्म नाग अपनी पत्नी को साथ लेके आया और कहने लगा गुरुदेव गोरखनाथ तुम्हारा काम मैं करूंगा। भैया पद्म नाग फौरन उठ के तब आगे आओ है। भैया पद्म नाग फौरन उठ के तब आगे आओ है। पद्म नाग अपनी पत्नी के साथ आया और कहने लगा गुरु गोरखनाथ से कि ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण जरूर करूंगा गुरुदेव। तो एकदम गुरुजी ने कहा कि तुम ऐसा करो, मेरी झोली में गूगल रखा है और तुम उस गूगल में जाके प्रविष्ट हो जाओ। पद्मनाग पत्नी को साथ लेके उस गूगल में प्रविष्ट हो गया है। चेलाओं से कही खोल ले वो आंखें, तो ओगड़नाथ बोले का आंखें खोले कोई सलीमा दिखाओगे। जवाब दिया सलीमा ने जो होना था वो हो गया। बांछल से कहा बेटा तुम भी आंखें खोलो। बांछल ने भी आंखें खोले तो गुरुजी वहीं बैठे, लेकिन जितनी देर चेलन ने आंखें बंद करी उतनी देर में जो बासुक के यहां घूम करके गुरुजी आ गए। ओगड़नाथ ने कि अब कोई नौ सलीमा है, बोले सलीमा नहीं, मेरी झोली में जो प्रसाद रखा है वो रानी बांछल को दे दो। जो गूगल था, जिस गूगल में पद्म नाग और अपनी पत्नी के साथ विराजमान हो गया था, और उस गूगल को महारानी बांछल को दिया है। और एक बात कही गुरुजी ने, तुम अकेली मत खा लियो। हाँ कहा कही कि जितनी पाज होती है तारी, जितनी ददरेबा में पाज है सबको दे दो जाएंगे। जितनी पाज भाई ने कहा कि जितनी बांझ स्त्रियां हैं सभी के लिए ले जाके ये गूगल खिला देना। रानी घोड़ी पर सवार होके आई ददरेबा, और जिस समय ददरेबा में घोड़ी पर सवार होके आई है तो सबसे पहले रानी ने अपनी घोड़ी के लिए वो गूगल खिलाया है। घोड़ी गर्भाधान हुई, एक नौना नाम की चमारी थी उसे गूगल खिलाया, वो भी गर्भ से हुई है, और एक पंडितानी थी उसे खिलाया, वो भी गर्भ से हुई है, बताया जाता है और खुद खाया है। नौना चमारी के भज्जू कोतवाल नाम का एक बड़ा ही महान पुत्र पैदा हुआ था। घोड़ी के वही घोड़ा पैदा हुआ, कौन सा घोड़ा, जिस घोड़ा पर स्वयं जहरवीर सवारी करते थे। एक पंडितानी को खिलाया, पंडितानी के एक बड़ा सुंदर पुत्र हुआ है जिसका नाम नरसिंह पांडे रखा गया। ऐसा ही नहीं, महारानी बांछल की कोख में जाहर जिस समय आए, अरे भैया दिन दिन बाड़ो उदर सुनो चितल
भाई जुलम हो गया क्यों? राम गौरी सास को बात बताई, महारानी बांछल ने अपनी सास राम गौरी को बताया, मेरी मात पति मेरे घर पे ही नाई, मेरे गर्भ में जंगल में तपस्या करने गए हैं और मेरे गर्भ ठहर गया, मैया कोई मुझे दोष लगा देगा कि पति घर पर नहीं और फिर भी ये नारी गर्भ से। भैया लगी भर गई माताया जो गैया सी लगरानी, भैया लगी भर गई आज माता मछली सी। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पति घर पर नहीं, मुझे कोई दोष लगा देगा, पर ध्यान रखना दोस्तों, बाजी बाजी नंद और भाभी में बड़ा प्रेम होता है और बाजी बाजी नंद काटे में लाख होते हैं। वे जे ही सोचते हैं कब भाभी यहां से भागे और कब मरे तब भैया को पिंड छूटे। जो छबिलदे नाम की जो नंद थी वो वहां पर आई, उसने देखा कि भाभी के गर्भ और महाराज उमर से जाकर के कहा है कि पिताजी अब तो अपनी नाक कट गई। तो उमर सिंह ने कहा कि क्या हुआ, कि हुआ क्या है, भैया घर पर नहीं और फिर भी बाबी के गर्भ है, इसे मरवा दो जंगल में ले जाके। और उमर सिंह ने जब सुना आहा हा, दोनों ने सलाह मिलाई और जब सलाह मिलाई दोनों ने सलाह मिलाई है, रथ तैयार किया और कहा कि इसके मैके पहुंचवा दो। अरे दोनों ने सलाह मिलाई, या पीहर भिजवा दो। आज उसी समय महाराज उमर सिंह ने दो बड़े सुंदर बैलों को लिया और दो बैलों को लेकर के एक रथवान है और रथवान को साथ लेकर के महारानी बांछल को बिठा दिया और कहा रथवान से ले जाओ इसके मैके कुंभरपाल सिंह के यहां पहुंचा देना। ध्यान रखना सज्जनों, इंसान के जीवन में ना जाने कितनी कितनी मुसीबत आती है, लेकिन ध्यान रखना जाहर वीर ने बहुत बड़ा यहां पर करिश्मा दिखाया है। कितना बड़ा करिश्मा दिखाया, जिस करिश्मा को हम बता नहीं सकते। उधर करिश्मा क्या था, रथ में बैठ करके जंगल में रानी जब पहुंची तो रथ के पहिया जमीन में धस गए और जब रथ के पहिया जमीन में धसे तो शेष दहलाने लगे, बासुक घबरा गया और बासुक ने तक्षक नाग से कहा कि ऐसा धरती पर कौन है जो हमारी पृथ्वी को नहीं टिकने दे रहा। तक्षक चला तो तक्षक ने सबसे पहले किसको काटा, बैलों को काटा है, दोनों बैल वही मृतक हो गए
और जो चला रहा था बैलों को उसे भी समाप्त कर दिया। लेकिन जाहर ने बहुत बड़ा कौतुक यहां पर दिखाया। जाहर वीर उसी समय उठे, उस तक्षक को पकड़ लिया और तक्षक ने कहा कि जब तक तुम इन बैलों को, रथवान को जिंदा नहीं करोगे तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं। आज उस नाग ने बैलों को भी जिंदा किया है और जो रथ चला रहा था उसे भी जीवित किया। सज्जनों, जिस समय जीवित किया, रथ फिर आगे चला है और रथ कहां पहुंचा है? सिरसापाटन में। और सिरसापाटन में रथ जब पहुंचा, वहां की दशा ही कुछ अलग थी। जो महाराज कुंवरपाल सिंह थे, उन्होंने अपनी बेटी को आते हुए देखा तो महाराज कुंवरपाल की पत्नी ने कहा कि ये तो बड़ा ही गजब हो गया, हमारी बेटी को धिक्कार दिया। तो महाराज कुंवरपाल ने कहा कि ऐसे हम बेटी को सत्य नहीं मान सकते, सब बात अपनी मां को बताई। लेकिन महाराज कुंवरपाल ने कहा कि बेटी को मैं ऐसे सत्य नहीं मान सकता, जब जेवर घर पे नहीं थे तो गर्भ कैसे स्थित हुआ? एक कुआ खुदवाया और उस कुआ के अंदर भाला टंगवाया है देवराज, कच्चे धागे का एक पलंग बनाया उस कुआ के ऊपर रखा है। और कुंवरपाल ने कहा अगर मेरी बेटी पतिव्रता है तो इस कच्चे धागे पर सो के दिखाए। महारानी बांछल ने बिल्कुल देरी नहीं की, गुरु गोरखनाथ का ध्यान किया और गुरु गोरखनाथ का ध्यान करने के बाद उस कच्चे धागे के पलंग पर लेट गई। धन्य है वो बांछल। महाराज कुंवरपाल समझ गए कि मेरी बेटी सत्य है, धन्य है गुरु गोरख की कृपा से इसके गर्भ स्थित हुआ है। लेकिन गोगा जाहर वीर ने एक करिश्मा और दिखाया। गोगा ने उसी समय एक जौहर तो दिखाई, जाहर वीर ने एक करिश्मा और दिखाया। नंद छवि ने उमर सिंह को दोहे दर्द बनाई, जो छवि ने नंद थी नकटी देर चिल्लावत फिरे। उमर सिंह ने जिस रानी को घर से निकाला उसके भी सर में दर्द। महाराज दो घर में टकराते हैं, सहना न होइए दर्द पछाड़ी घर में खाते हैं। घर में पंडित लव बोलवाए पत्रा पंडित ने खोली, घर में पंडित लव बोलवाए पत्रा पंडित ने खोली। छबील दे और उमर सिंह के पंडित को बुलाया, देखो हमारे दर्द क्यों है। तो पत्रा में देख करके पंडित जी ने कहा कि जो बांछल के गर्भ में पुत्र पल रहा है वो बड़ा होनहार है और उसी की करामात है कि जो तुम्हारे सर में दर्द है। सज्जनों, उधर जंगल में तपस्या करते हुए महाराज जेवर सिंह को पता चला कि हमारी रानी गर्भ से है और हमारी रानी को हमारे पिता और हमारी बहन ने निकाल के घर से ससुराल पहुंचा दिया। फौजों को तैयार करके महाराज जेवर सिंह अपनी रानी को लेने कहां पहुंचे हैं? अपनी रानी को लेने पहुंचे क्षमा मांग के कुंवरपाल से और अपनी रानी को लेने पहुंचे हैं सिरसापाटन। सिरसापाटन से महारानी बांछल को रथ में बिठाया जेवर सिंह ने और ददरे बाए हैं। पर ध्यान रखना, एक घोड़ी के सुंदर बछेड़ा पैदा हुआ, पंडितानी के एक बड़ा सुंदर बालक हुआ है, उसी गूगल से नौना चमारी के भी बड़ा सुंदर बालक हुआ। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा ही नहीं, भादो को महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी जैसे आई, अष्टमी तिथि, आहा कृष्ण पक्ष दिन बुध है,
जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उसी दिन आधी रात को बाबा जाहर का जन्म होता है। बोल जाहर वीर महाराज की। अरे भैया अब तो आनंद ही आनंद है। चलियो तो बहना मंगल गाया बे बाबा जाहर ने लो अवतार योरी भायली। चलियो तो मंगल गाया बे बाबा जाहर ने लो अवतार योरी बहनारी। कथा का दूसरा भाग यहीं पर विराम होता है। आगे हम तुम्हें बताएंगे किस तरह जाहर वीर का विवाह रानी श्रीयल के साथ हुआ और कौन कौन सी लीलाएं की इस कथा को आप सुन रहे हैं। श्रीमान कुंदर सिंह भगत जी, जयविंदर भाई, श्रीमान जयपाल सिंह प्रधान जी, सुशील भैया और पल्लव सागर जी, इन्होंने इस कथा को अपने घर पर कराया और इस कथा को नेट के माध्यम से भी आप सुन पाएंगे। ये जाहर वीर का दूसरा भाग यहीं पर विराम होता है। इंतजार करें बोलियम नंबर 3 का। धन्यवाद।